ब्यावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सोमवार को हुए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के चुनावों में सीए हितेश वसंदानी अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी प्रकार श्रीमती सुशीला आचार्य निर्विरोध रूप से उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई है। ब्यावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निर्वाचन अधिकारी सतीश जैमन के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत ब्यावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जांगीर शाखा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद हेतु एक एक ही नामांकन प्राप्त हुए। उपरोक्त नामांकन जाँच में सही पाए गए, इसलिए सीए हितेश वसंदानी को अध्यक्ष, श्रीमती सुशीला आचार्य को उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। युवा प्रतिभा सीए हितेश वसंदानी ने बताया कि बैंक अतिशीघ्र कई नई योजनाओं पर कार्य करेगा, जिससे अंशधारियों, ग्राहकों, जनसाधारण को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जा सके। अभी वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को 15 माह की जमाओं पर 8.10% ब्याज दे रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का जीवन यापन सुगम हो सके। उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला आचार्य ने कमजोर तबके की, विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह बताया कि बैंक अपने अंशधारियों को हाउसिंग ऋण पर 8.60% पर ऋण देकर अपने घर के सपने को साकार कर रहा है। मालूम हो कि ब्यावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के चुनावों में रविवार को हुई मतगणना में जय आनंदानी को 794 मत मिले हैं, जो सर्वाधिक है। इसके बाद जयंत आचार्य को 789, राधा मोहन जोशी एवं दयाल आसवानी को बराबर 782 मत मिले हैं। जितेंद्र मुंद्रा को 779, मुकेश शर्मा को 777, नरेंद्र नरेश को 774 एवं हितेश वसंदानी को 758 मत मिले हैं। कुल 847 मत गिरे थे, जिसमें से 21 मत निरस्त हो गए हैं। बैंक के कुल 11 सदस्यों में 3 सदस्य मनीषा ओझा, सुशीला आचार्य एवं मोहनलाल पवार पूर्व में ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस बार चुनाव में खास बात यह रही कि इस बार चुनाव में आचार्य गुट के विपक्ष में कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ। एक महावीर बाफना ने अपना नामांकन पत्र भरा, मगर वे भी नाम वापसी के समय बाहर होने के कारण अपना नाम वापस नहीं ले पाए, मगर उन्होंने अपने आप को चुनाव से पृथक करने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में आचार्य गुट के सभी 8 प्रत्याशी एकतरफा जीते हैं।